हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चीज़ी गार्लिक ब्रेड। उसके साथ ही हम बनाएंगे एक बहुत ही यमी सी चीज़ी डिप। जब शाम को आपको कुछ क्विक सा बनाना हो, इंस्टेंट बनाना हो और बच्चों का कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा हो जो कि एकदम बाजार जैसा लगे, तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्विक है, इंस्टेंट है। इसमें हमें कोई बेस नहीं बनाना है। हम बाजार की वाइट ब्रेड का यूज़ करके ही इस रेसिपी को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी चीज़ी डिप बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर एक पैन लिया है। उस पैन में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बटर। तो हमारा ये बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर से टेक्सचर और भी क्रीमी सा हो जाता है। अब इसको हम अच्छे से हिलाएंगे और 1 मिनट तक के लिए, ताकि मैदा का जो कच्चापन है वो इसमें से दूर हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही हमें लेना है। इसको हम स्लोली स्लोली ऐड करेंगे और कंटिन्यूसली इसको हिलाते जाएंगे, ताकि अच्छा सा जो थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है वो आ जाए। ये सेम प्रोसेस हम वाइट पास्ता बनाने में भी करते हैं, और वाइट पास्ता सॉस रेसिपी का लिंक ऊपर ब्लिंक हो रहा है, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पूरा दूध डाल दिया है। अब अच्छे से ये सब कुछ मिक्स हो जाए, कोई भी लम्ब्स ना रहे। इतनी देर हमें हिलाएंगे। इस प्रोसेस में पूरा 1 मिनट ही आपको लगेगा। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सॉस नहीं बना रही हूँ। अगर आपको डिप की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनानी है तो आप सभी चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को एकदम डबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप चीज़। और यहाँ पे जो आपको चीज़ यूज़ करनी है वो प्रोसेस्ड चीज़ ही यूज़ करनी है। और आप चाहे तो अमूल चीज़ के क्यूब्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो आपको 3 क्यूब्स यहाँ पे चाहिएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे चीज़ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं सेम क्वान्टिटी का। अगर आपको सॉस अपना बहुत थिक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे सॉस थोड़ा थिक लग रहा था तो मैंने 3-4 टेबल स्पून मिल्क इसमें और ऐड किया है, जिसको कि हम 1/4 कप बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम सॉस को बहुत ज़्यादा थिक अभी कर देंगे तो ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। तो आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड ही रखनी है, ताकि जो आपका सॉस है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी मिक्स्ड हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ मैंने इस डिप में जो नमक है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। और हमने जो बटर लिया था वो भी सॉल्टेड बटर था। तो अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा पिंच मतलब बहुत ही कम थोड़ा सा नमक इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तो अब हम हमारी गार्लिक ब्रेड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक लिए हैं। आप चाहें तो इसको ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कूट रही हूँ। अगर आप छोटा वाला लहसुन यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 से 6 कली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो। यहाँ पे आप मिक्स हर्ब भी ले सकते हो ऑरिगेनो की जगह। और इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स अगर आपको बहुत तीखा नहीं चाहिए, बच्चों को खिला रहे हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने 1 टेबल स्पून धनिया, कोरिएंडर को अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो पिंच ऑफ काली मिर्ची का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पाइसी लगता है तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। अब इस सेम मिक्स में हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून बटर। बटर जो है वो आपको एकदम रूम टेम्परेचर पर लेना है। अगर आपने बहुत टाइट बटर लिया तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप पहले स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब फिर हमारा गार्लिक बटर जो है वो बनके रेडी हो जाएगा। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये कई दिनों तक, हफ्ते 10 दिन महीनों ख़राब नहीं होता है। आप जब चाहें इजीली इसको निकाल सकते हैं और किसी भी चीज़ पे अप्लाई करके खा सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून जितना, यानी थोड़ा सा नमक। ऑल दो मैंने जो बटर है वो सॉल्टेड लिया है, पर इतने से सॉल्टेड बटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं होता है। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। और आगे वैसे भी हम चीज़ यूज़ करने वाले हैं तो उसमें भी सॉल्ट होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉल्ट हमें यहाँ पर नहीं डालना है। अब हमारा जो गार्लिक बटर है वो एकदम तैयार है। मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड स्लाइस लिए। मैंने जो है बड़ी साइज़ की ब्रेड ली है। अगर आप छोटे साइज़ की ब्रेड यूज़ करें तो यहाँ पे आप 6 स्लाइस भी ले सकते हैं, 6 जो ब्रेड है वो ले सकते हैं। अब हम इस पे जो गार्लिक बटर हमने बनाया है उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो अब हमने हमारी एक ब्रेड पे तो गार्लिक बटर लगा लिया है, और दूसरे पे हमारी चीज़ स्प्रेड करेंगे। चीज़ जो है मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ली, क्योंकि प्रोसेस चीज़ जो है वो एकदम पकने में थोड़ा टाइम लगाती है मेल्ट होने में। और चीज़ की जो क्वांटिटी है अपने हिसाब से देख सकते हैं, जितना मन करे उतना चीज़ इसमें डाल के खाइए। मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि हमने इसके साथ ऑलरेडी डिप बनाया है जो कि बहुत ही चीज़ी है। अब हम इसका जो ये वाला पार्ट है जिसमें हमने बटर लगाया था उसको इसके ऊपर रखेंगे।
और अब जो बटर वाला साइड है उसको हम पैन को उल्टा रखेंगे, यूँ हमें इसको रखना है। और जो अनदर साइड है उस पर भी हम हमारा गार्लिक बटर अप्लाई कर देंगे। और इसे सेकते वक्त आपको जो फ्लेम है वो लो पे ही रखनी है, लो पे ही सेकना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, जो अंदर की चीज़ है वो एकदम मेल्ट हो जाए। हमें इसको दोनों तरफ से सेकना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती और अच्छा सा इसका लुक नहीं आ जाता। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ब्रेड नीचे से अच्छे से सेक गई है ना, और इसको फ्लिप कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बस इसी तरह से हमें इसको दूसरी साइड से भी सेकना है। एक साइड से सेकने में मुझे 2 मिनट लगे हैं, तो टोटल मिला के आपके 4 मिनट में ब्रेड रेडी हो जाएगी। तो हम देखते हैं, देखिए कि हमारी ब्रेड दूसरे साइड से भी सिक गई है ना। तो देखिए कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आया है। अब इसको साइड में रख देते हैं और अब हमारी दूसरी ब्रेड को सिकने के लिए रख देते हैं। दोनों स्लाइस हमारी रेडी हो गई है। अब हम इनको कट कर लेंगे अगर आपको स्टिक्स की फॉर्म में देना है, और अगर आपको नॉर्मल ऐसे ही सर्व करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो ट्रायंगल कट भी इसमें दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको स्टिक्स की फॉर्म में कट कर रही हूँ। आप नॉर्मल चाकू से भी कट कर सकते हैं, नहीं तो ये पिज़्ज़ा कटर से कट कर लीजिए। मैं इसे 3 स्टिक्स इसमें से निकालूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितना चीज़ी है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा चीज़ी टेक्सचर इसका, और ऊपर से इतनी अच्छी सिकाई और इतना अच्छा कलर। अब हम इसको चीज़ डिप के साथ सर्व करेंगे। अब हमारे सॉस को किसी भी सर्विंग बोल में, या फिर इस तरह से मैंने ये चीज़ डिप के लिए ग्लास लिया है, ऐसे सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए कितनी क्विक और इजी रेसिपी है, और कभी भी आपको क्रेविंग हो रही हो सुबह शाम कभी भी इसे बना के खा सकते हैं। और हेल्दी ऑप्शन करने के लिए आप यहाँ पे ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मुझसे रहा नहीं गया इसको बनाते बनाते, तो मैंने थोड़ा सा खा लिया है इसको। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।